तो 12 नवंबर का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस दिन दीपावली भी है और इस दिन हमारे भाइयों भाई सलमान भाई की फिल्म रिलीज़ होने वाली है। फिल्म का हाइप बहुत ज़्यादा तगड़ा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फैंस बढ़ चढ़कर इस फिल्म को देखने के लिए जा रहे हैं और फिल्म लगता है काफ़ी चलने वाली भी है। लेकिन कई मानों में ये फिल्म ना कुछ फिल्मों से पीछे रह गई है। यानी अगर बात करें समय पर जवान की, तो जवान की जो एडवांस बुकिंग के मामले में ये फिल्म इस समय पर काफ़ी पीछे है। यानी कि जवान ने फर्स्ट डे में जो कलेक्शन किया था, यानी कि एडवांस बुकिंग में, वो था 40 करोड़ रुपए। और सलमान खान के टाइगर 3 ने जो फर्स्ट डे कलेक्शन किया है वो पूरा का पूरा 10 करोड़ रुपए। समझ सकते हो ना कितना बड़ा फेयर है। यानी कि जो एडवांस बुकिंग चल रही है उसमें टाइगर 3 जवान से काफ़ी पीछे है। लेकिन खबर ये भी है कि दिन ब दिन इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है, यानी कि जब तक 12 नवंबर आएगा तब तक ये फिल्म बहुत ही ऊपर तक पहुंच चुकी होगी, यानी कि पठान और जवान का रिकॉर्ड तोड़ चुकी होगी। लेकिन फर्स्ट डे के कलेक्शन को देख के लगता तो नहीं है कि ये फिल्म इतनी ज़्यादा चलने वाली है। काफ़ी हद तक चांस कम है कि ये जो फिल्म है वो जवान का रिकॉर्ड तोड़ पाए, क्योंकि एडवांस बुकिंग बहुत कम है। अगर बात करें मैं अपने एरिया की, यानी कि आगरा की, तो आगरा में जो थिएटर्स हैं भाई, वो अभी भी खाली पड़े हैं। यानी कि अभी तक जो बुक माई शो पर जो रेड दिखता है ना, बहुत कम दिख रहा है। यानी कि 5 नवंबर को जो एडवांस बुकिंग थी वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खोल दी गई थी, बुक माई शो पेटीएम, तो आज हो चुकी है 8 नवंबर और अभी तक जो थिएटर हैं वो खाली हैं। यानी कि एडवांस बुकिंग बहुत कम हुई है अभी तक, मतलब थिएटर हाउसफुल नहीं हुए हैं। आप समझ सकते हो कि टाइगर 3 का क्रेज़ कितना ज़्यादा है। इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि यहाँ पर जो टीम है उसने इस फिल्म का प्रमोशन बहुत कम किया, यानी कि नहीं ही किया। सलमान खान ने जवान का प्रमोशन जहाँ ऑडियो लॉन्च किया था चेन्नई में, जगह जगह प्रमोशन कर रहे थे, ये वो बहुत कुछ, इस फिल्म में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो सिंपल है, ये फिल्म कलेक्शन के मामले में लगता है जवान से काफ़ी पीछे रहने वाली है। लेकिन टाइगर 3 के अंदर शाहरुख खान का कैमियो भी है, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। वेल, आपकी इन सब के बारे में क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर बताएं।